तो दोस्तों इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड और मच अवेटेड फिल्म पठान के रिलीज हुए आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं, तो वहीं 12वें दिन के रनिंग में थिएटर्स में चल रही है। दोस्तों बता दें कि फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अब बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के पठान पहले नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पठान फिल्म की 11 दिनों की इंडियन नेट और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ फिल्म 12वें दिन इंडिया से वहीं वर्ल्ड वाइड से कितने करोड़ रुपए की कलेक्शन कर सकती ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही है कि पठान एक जबरदस्त स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में लगभग 250 करोड़ के भारी बजट में बनाया गया है। फिल्म में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख एकदम एडवांस लेवल की देखने को मिली और यही वजह है कि पठान बॉक्स ऑफिस पर बॉयकॉट के बावजूद ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वही दोस्तों फिल्म में सलमान खान की कैमियो भी देखने को मिलती है जो कि बता दे कि फिल्म में चार चांद लगा देती है। तो वहीं फिल्म की कहानी और क्लाइमेक्स भी इतना जबरदस्त है कि ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं लगता और जितने भी ऑडियंस इस मूवी को देखकर थिएटर्स के बाहर निकलते हैं तो SRK की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। बात करते हैं फिल्म की 12 दिनों की कलेक्शन के बारे में, तो बता दे दोस्तों फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी तमिल और तेलुगु भाषाओं से 57 करोड़ रुपए से ओपनिंग ली थी, जहां फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 104 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की थी। और इसी तरह फिल्म लगातार पहले वीकेंड तक अपनी जबरदस्त पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखी और फिल्म की पहले वीकेंड की नेट कलेक्शन 280 करोड़ 75 लाख रुपए की देखने को मिली। तो वहीं फिल्म फर्स्ट वीक तक अपनी जबरदस्त कलेक्शन करती ही रही और फिल्म की फर्स्ट वीक की नेट कलेक्शन 364 करोड़ 15 लाख रुपए की देखने को मिली थी। और अब ये फिल्म दूसरे वीक के रनिंग में चल रही है और दूसरे वीक में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और यही वजह है कि फिल्म ने जहां 10वें दिन 14 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर दिखाई, तो वहीं 11वें दिन फिल्म की कमाई में सेकंड सैटरडे होने की वजह से जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने 22 करोड़ 83 लाख रुपए की कलेक्शन करने में कामयाब रही। तो वहीं फिल्म की 11वें दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 43 करोड़ 82 लाख रुपए की देखने को मिली और इसी के साथ फिल्म की 11 दिनों की टोटल नेट कलेक्शन 400 करोड़ 98 लाख रुपए की देखने को मिली थी। तो वहीं 11 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 769 करोड़ 60 लाख रुपए की देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं फिल्म की 12वें दिन की कलेक्शन के बारे में, तो बता दें कि 12वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और यही वजह है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए भी 12वें दिन लगभग 7 करोड़ रुपए की कलेक्शन ऑलरेडी कर रखी है। वहीं फिल्म मॉर्निंग शो में भी रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से शुरुआत करने वाली है, क्योंकि फिल्म का सेकंड संडे और हॉलीडे का ये मूवी जबरदस्त फायदा उठाती नजर आ रही है और यही वजह है कि रिपोर्ट की माने तो लगभग 28 करोड़ रुपए की कलेक्शन ये फिल्म 12वें दिन करती दिखाई देगी। तो वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म 12वें दिन लगभग 53 करोड़ 74 लाख रुपए की कलेक्शन कर सकती है और इसी के साथ फिल्म की 12 दिनों की टोटल नेट कलेक्शन जहां लगभग 428 करोड़ 98 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है, तो वहीं 12 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 823 करोड़ 34 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों ये फिल्म इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। वैसे दोस्तों कि आपने भी देखी है पठान मूवी, तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।